मुखम करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्र पादमहं वन्दे परमानन्द माधवं। परम सम्माननीयाः कुलपतयः अपरेपि सर्वे संकाय प्रमुखाः उपस्थिताः सर्वेपि वरेण्याः पूजनीयाः विद्वांसः गुरवः मातरः भ्रातरः भगिन्यश्च महतः प्रमोदस्यायम् अवसरः यदद्य वयम् अस्माकं नवनियुक्तकुलपतीनां स्वागताय अत्र समवेताः स्मः। वस्तुतः मदर्थं कुलपति इति पदस्य अर्थद्वयम्। किमर्थम् इत्युक्ते कुलपतेः कदाचित् अयं तावत् अर्थः भवति गुरुः अपि सन्निहितोऽत्र कुलपतिः शाकुन्तले यदुक्तं तत्र कदाचित् कुलपतिपदस्य अयं तावदर्थः निस्सरति गुरुः इति। अपरश्च कुलपतिः अद्यत्वे यत् कुलपतिपदं व्यवह्रियते तस्य यः अर्थः। मदर्थं तु इदम् अर्थद्वयम् उभयं घटते। किमर्थम् इत्युक्ते जीवने कानिचन वस्तूनि व्यक्तानि भवन्ति कानिचन अव्यक्तानि भवन्ति क्वचित् अव्यक्तान्यपि व्यक्तिक्रियन्ते। तदहम् अद्य उद्घाटयितुम् इच्छामि यत् एते कुलपतयः पूर्व मम छात्रजीवने कदाचित् मम कुलपतयः आसन् मम गुरवः आसन् पञ्चवर्षाणि येभ्यः मया अधीतानि विद्याः अधीताः अतः एते मम गुरवः सन्ति। जीवने यद्यत् किमपि भवति निःसंशयम् इदं प्रत्येकं जनेन वक्तुं शक्यते यत् तत्र अस्माकं प्रायशः प्रत्येकं शास्त्रम् इदमपि भणति इदमपि प्रतिजानीते यत् तत्र गुरुराजदेवता प्रसादादिकं भवति कारणत्वेन भवति। अतः यदि अद्य अहं भवन्तः सर्वे वयं यदि किमपि स्मः तर्हि तत्र प्रच्छन्नरूपेण अस्माकं गुरुः करुणा भवति। अतः निःसंशयम् अद्य अहं भवतां प्रस्तादेन वक्तुं शक्नोमि यत् अवश्यमेव मम पृष्ठभूमौ मम गुरोः करुणा विद्यते येन अहम् अद्य भवतां पुरतः अस्मि। अपरश्च यः कुलपतेः अर्थः अद्यत्वे अस्माभिः व्यवह्रियते प्रशासकत्वेन संस्थामुख्यत्वेन सतावत् अर्थः व्यवह्रियते यदा कदाचित् अयं तावत् अर्थः अस्माकं पूर्वपृष्ठेषु राजद्वयेन स्वीक्रियते। राजत्वं सरलं न भवति स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे तथा इति राजधर्मः। भानुः सकृद्युक्तदुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं बन्धवः प्रयाति शेषः सदैव हितभूमिभारः षष्टांशवृत्ते अपि धर्मेश अयमपि राजधर्मः। किञ्च यदि कश्चन कुलपतिः भवति तर्हि अस्माकमेव सर्वेषाम् इदं तावत् दायित्वं भवति। कुलपतिस्तु एकः एव वयं तु कुलपतेः अङ्गभूताः अस्माभिः किं किं करणीयम् अस्माभिः तावत् सर्वैः मिलित्वा संस्थायाः विकासः केन प्रकारेण कर्तव्यः इति अस्माभिः चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्त्वयोगः इति एवं भूतं चिन्तनम् अस्माकं सर्वेषामेव स्यात्। अतः अद्यैव कदाचित् इदम् अस्माकं सर्वेषां कृते आवाहनमस्ति यत् एतेषां नेतृत्वे संस्थायाः विकासः अस्माभिः कथं करणीयः इति अस्माकं प्रतिज्ञैव स्यात् तदर्थं पुनः पुनः चिन्तनं स्यात् इति एतावदेव उक्त्वा पौनःपुन्येन अभिनन्दन् अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादः। मैं निवेदन करूंगा गैर शैक्षणिक वर्ग की तरफ से अधिकारियों की तरफ से श्रीमान अजय टंडन जी को अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे आचार्य जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय कुलपति महोदय विद्यापीठ के समस्त गुरुजन मेरे सहकर्मी कर्मचारीगण तथा प्यारे छात्र छात्राओं प्रोफेसर आर के पांडे जी के स्थायी कुलपति पद पर
नियुक्ति से आज जो हर्षोल्लास का वातावरण विद्यापीठ में बना हुआ है, यह देखकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। इस अवसर पर मैं माननीय कुलपति महोदय का अभिनंदन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब आपके साथ इस विद्यापीठ की सेवा में सदैव तत्पर हैं। इस अवसर पर अपने द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। नव युग की नूतन बेला लाई है संदेशल बेला, आओ मिलकर साथ चले, साथ चले भाई साथ चले। नव युग का निर्माण करें, निर्माण करें, निर्माण करें, आओ मिलकर साथ चले, साथ चले भाई साथ चले। नई सोच हो, नई रहा हो, नया है मांझी, नई चाह हो, नव पथ पर हम साथ चले भाई साथ चले। देखो ठीक रही है मंजिल, अब हम ना होंगे बिल्कुल संदिल, सभी है साथी, सभी है भाई, नव चेतना संदेश है लाई, आओ मिलकर साथ चले भाई साथ चले। नूतन युग हो मंगलकारी, सबकी हो उत्थान की बारी, बिसर गया जो ना हो पाया, अब तो नया प्रकाश है आया, आओ मिलकर साथ चले। यही कामना, यही है सोच, घर घर पहुंचे संस्कृति की जोत, दे दुनिया को हम यह संदेश, एक था, एक है, एक रहेगा मेरा भारत देश, आओ मिलकर साथ चले। बहुत उत्तम। मैं निवेदन करूंगा छात्र वर्ग की तरफ से, एक छात्र अभिनंदन प्रतिनिधि के रूप में करना चाह रहा है, नाम केवल कुमार, परम आदरणीय मचस्त विराजमान प्राचार्य पितृच्य उभय विद्याविशारद, आज के इस उत्सव के सभापति कुलपति महोदय तथा विशिष्ट विद्वान मंडली, देश के कोने कोने से आए हुए अध्ययनरत छात्र एवं छात्राएं, आज बहुत ही खुशी का विषय है। आज हम कई दिनों से डिमांड करते आए कि हमें स्थायी कुलपति चाहिए, आज हमारी वो डिमांड भी पूरी हो चुकी है। साथियों, बहुत खुशी का विषय है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृत और संस्कृति में समर्पित किया, ऐसे महापुरुष हमें स्थायी कुलपति के तौर पे मिले। सोच रहा हूं मौके पे चौका मारना चाहता था, लेकिन आज खुशी का विषय है। कुलपति महोदय, आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मांगे तो बहुत सारी है, हर मुद्दे पे बात होगी, हर विषय पे बात होगी। कुलपति महोदय, आपसे एक डिमांड रखना चाहते हैं कि कृपया करके एक दिन हमारे विशिष्ट जो शोध छात्र हैं आपके साथ एक बैठक का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें हम समस्त मांगों का ब्यौरा आपके समक्ष रखें, और जो हमें हमारी उम्मीद की किरणें हैं वो साकार हो। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा विद्यापीठ के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर नागेंद्र झा जी से कि वे पुनः माल्य